के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। विश्व जल दिवस पर तुलसी घाट पर मानव श्रृंखला बनाकर जल संरक्षण का किया गया आवाहन। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन माता शैलपुत्री देवी व मुख निर्मालिका गौरी के दरबार में भक्तों का उमड़ा हुजूम। पटुकों व साधु संतों ने उदित भगवान भास्कर को अर्घ देकर नव संवत्सर का किया स्वागत। मातृशक्ति ने भी 80 घाट से किया भव्य स्वागत। और शंख वादन से गूंजा विश्वनाथ धाम, हिंदू नववर्ष के अवसर पर 101 शंखों का हुआ वादन। और अब समाचार विस्तार से। शंकराचार्य घाट पर बटकों द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में हिंदू नववर्ष का अनोखे तरीके से स्वागत किया गया। धर्म की नगरी काशी में हिंदू नववर्ष का अनोखे तरीके से स्वागत किया गया। बटकों ने शंकराचार्य घाट पर पारंपरिक वेशभूषा में कदम ताल किया और सूर्य की पहली किरण निकलने पर जल अर्पित कर सूर्य नमस्कार किया। इस दौरान काशी के साधु संतों के साथ आम नागरिक भी गंगा तट पर मौजूद थे। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सनातनी पंचांग का विमोचन श्री विद्यामठ से किया। श्री विद्यामठ में सनातनी शिक्षा ले रहे बटकों ने केदार घाट पर हिंदू नववर्ष का विधिवत स्वागत किया। भगवान भास्कर के उदित होने से पहले गंगा तट पहुंचे। बटकों ने फूलों से नववर्ष स्वागत की रंगोली घाट पर बनाई और बैंड पर घाट पर कदम ताल किया। इस दौरान बटकों का कदम ताल देख रहे लोगों ने जमकर तालियां बजाई। नववर्ष पर सूर्य की पहली किरण के निकलते ही बटकों ने भगवान भास्कर को जल अर्पित किया। इस दौरान उपस्थित साधु संतों ने भी बटकों द्वारा किए जा रहे मंत्रोच्चारण के बीच भगवान सूर्य को अर्घ दिया। इस दौरान श्री विद्यामठ में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सनातनी पंचांग का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि आज काशी के केदार घाट के बगल में जाह्नवी के तट पर परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया है। यह भारत की विशेषता है कि सृष्टि के काल से ही हम काल की गणना करते आ रहे हैं। 1,95,58,85,124 वर्ष का आज हम लोग स्वागत कर रहे हैं। दुनिया में सबसे प्राचीन हमारी संस्कृति है, इस बात का गौरव भी हम लोग आज यहाँ मना रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस गुरुकुल में 200 छात्र ऐसे हैं जिसमें सभी ने आज सूर्य को नमस्कार किया है और उन्हें अर्घ दिया है। आज सभी सनातनियों के घर में सनातनी ध्वज फहराया गया है। इसके अलावा सनातनी पंचांग का विमोचन भी किया गया है। गुरुकुल है, गुरुकुल में लगभग 200 छात्र यहाँ पर हैं। उन सब ने भी मिलकर के भगवान सूर्य को, जो वर्ष का पहला सूर्य उदित हुआ, उसको अर्घ्य प्रदान किया, सूर्य नमस्कार किया और फिर राष्ट्र का ध्वजोत्तोलन भी यहाँ पर किया गया। पंचांग के फल का श्रवण हम लोगों ने किया, गंगा जी की आरती की, ऐसे अनेक कार्य यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ परंपरा है, सबसे पहले हम नववर्ष में सूर्य अर्घ्य देते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, फिर ध्वजोत्तोलन करते हैं। सनातनी जितने भी होंगे उन सब के घरों के ऊपर आज के दिन नया झंडा लगा दिया जाता है। साथ ही जो नीम के पत्ते हैं, पारिजात के पत्ते और फूल हैं, उनमें नमक, हींग, अजवाइन, जीरा आदि मिला करके उसको खाया जाता है ताकि वर्ष पर्यंत हमारे शरीर में रोग ना हो। और फिर नूतन वस्त्र धारण किए जाते हैं, आभूषण धारण किए जाते हैं, ज्योतिषी को बुला करके उसको मानदान दे करके उससे पंचांग का फल श्रवण किया जाता है। इस तरह से नववर्ष का स्वागत हमारे यहाँ परंपरा होता है, वही आज यहाँ पर हुआ है। हिंदू नववर्ष पर नव संवत्सर समिति द्वारा 80 घाट पर नववर्ष के भव्य स्वागत एवं अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 80 घाट पर नव संवत्सर समिति द्वारा हिंदू नववर्ष के भव्य स्वागत एवं अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पाणी विद्यालय की बालिकाओं द्वारा मंगल वाचन एवं सभी संस्थाओं के संस्था प्रमुखों द्वारा नव कलश पर दीप प्रज्वलित करके हुआ। कार्यक्रम में काशी की प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य शालिनी खरे ने भारतीय नव संवत्सर पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत में काल गणना अर्थात नव संवत्सर देवी आराधना से शुरू होता है, जो दुनिया में कहीं नहीं होता। इसी कार्यक्रम में ममता द्विवेदी ने कहा कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन संपूर्ण सृष्टि एवं लोगों का सृजन किया था। कविता मालवी ने कहा कि इस संवत्सर का नाम पिंगल है। सुनीति शुक्ला ने बताया कि हमारा नव संवत्सर कल्याण का संदेश देता है। डॉक्टर सरिता सिंह ने कहा कि आंग्ल नववर्ष के साथ साथ भारतीय नव संवत्सर का प्रयोग प्रशासन, विश्वविद्यालयों, विद्यालयों और अन्य प्लेटफॉर्म पर भी होना चाहिए।
डॉक्टर लॉ कॉलेज की डायरेक्टर विपाशा गोस्वामी ने कहा कि विक्रम संवत ईसा पूर्व 57 वर्ष से प्रारंभ हुआ। डॉक्टर माधुरी पांडे ने बताया कि वृहत संहिता में नव संवत्सर सप्तऋषि और नक्षत्र को जोड़कर देखा जाता है। डॉक्टर भारती मिश्रा ने कहा कि नव संवत्सर भारत का गौरव, भारतीय एकात्मता और विश्व दृष्टि का परिचायक है। वक्ताओं के उद्बोधन के पश्चात तुलसीदास रचित रामचरितमानस के बालकांड के छंद जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भवंता का सामूहिक पाठ किया गया। इस स्तुति में देवताओं ने मिलकर सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु की आराधना की है, जिसके पश्चात विष्णु जी राम अवतार के रूप में नवमी तिथि के दिन अवतरित होते हैं। स्तुति के पश्चात समस्त मातृशक्तियों द्वारा दो संकल्प लिए गए। पहला संकल्प इस नववर्ष को वृहत से वृहत्तर रूप में मनाने एवं जन जन तक पहुँचाने का तथा दूसरा जल दिवस के अवसर पर जल संरक्षण एवं संचयन का। कार्यक्रम में काशी के 50 से अधिक संगठन, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों सहित लगभग 2000 मातृशक्तियों की सहभागिता थी। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत समिति के सुनीता शुक्ला एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर शारदा सिंह ने दिया। कार्यक्रम में भाजपा नेत्री मीना चौबे, माधुरी, नीतू, आरती, सीमा, प्रतिमा, उर्मिला, शीला, प्रतिमा सिंह, नीलम गुप्ता, प्रीति अग्रवाल, प्रीति बाजोरिया, उषा जगन्नाथ जी, मंजुला त्रिपाठी, पूनम सिंह आदि उपस्थित थे। सभी मातृशक्तियाँ इस 80 घाट पर एकत्रित होकर भारतीय नौ संवत्सर के स्वागत एवं अभिनंदन के लिए एकत्रित हुए हैं। और हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौ संवत्सर अभी उतना प्रचलित नहीं है जैसा कि आंग्ल नववर्ष है। एक बच्चा बच्चा भी आंग्ल नववर्ष के वर्ष में जानता है और उसके नए नए तरीके ईजाद करता है कि कैसे हम मनाएं। तो हमारा ये प्रयास है, हम इस सोच के साथ इस यहाँ एकत्रित हुए हैं कि एक धारा बहे जो जन जन तक जाए और एक एक बच्चा भारत का हिंदू नववर्ष के बारे में जाने और उसको मनाए। चैत्र नवरात्र के प्रारंभ होते ही भगवान शिव की नगरी काशी देवी की आराधना में लीन हो गई। चैत्र नवरात्र बुधवार से शुरू होते ही भगवान शिव की नगरी काशी देवी आराधना में लीन हो गई। चैत्र नवरात्र में माता गौरी के 9 स्वरूपों की आराधना होती है। पहले दिन मुख निर्मालिका गौरी के दर्शन से विशेष पुण्य मिलता है। कायघाट स्थित मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रही। माता की स्वरूप के दर्शन पूजन और आराधना से अखंड सौभाग्य व पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। वहीं घर परिवार में सुख व समृद्धि बनी रहती है। मंदिर के महंत नारायण महाजन ने बताया कि चैत्र नवरात्र के पहले दिन मुख निर्मालिका गौरी का दर्शन होता है। इस दिन माता के स्वरूप के दर्शन से महिलाओं को अखंड सौभाग्य के साथ ही पुत्र रत्न की प्राप्ति का भी आशीर्वाद मिलता है। घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। माता भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों को हर लेती है। साल का पहला दिन होता है वासंतिक नवरात्र है। तो पहले दिन गौरी जी का दर्शन होता है। मुख निर्मालिका गौरी है, प्रथम देवी जी का दर्शन। जिनकी मान्यता है कि सौभाग्य गौरी सौभाग्य की होती है, होते सौभाग्य के लिए होती है, व्रत करती है, नवरात्र करती है। आदमी लोग अपनी सुख समृद्धि के लिए करते हैं। माँ को जिसकी यथाशक्ति हो चढ़ाता है। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन अलईपुर स्थित माता शैलपुत्री के दरबार में भी दर्शन पूजन करने वालों की भारी भीड़ उमड़ी। आपको बता दें कि नवरात्र में देवी दर्शन के क्रम में पहले दिन माँ शैलपुत्री के दर्शन की मान्यता है। इसी के चलते नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री के दर्शन के लिए उनके दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्त हाथों में नारियल और फूल माला लेकर अपने अपने बारी का इंतजार करते दिखे। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर जय माता दी के घोष से लगातार गूंजता रहा। माना जाता है कि माँ शैलपुत्री महान उत्साह वाली देवी और भय का नाश करने वाली है।
इनकी आराधना से यश कीर्ति धन और विद्या की प्राप्ति होती है और इनकी पूजा मात्र मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। मान्यता अनुसार जगदम्बा माँ शैलपुत्री स्वरूप से पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी और कालांतर में जगदम्बा इसी स्वरूप में पार्वती के नाम से दिवाई देव भगवान शंकर के अधाम। आज माता शैलपुत्री का दर्शन होता है और ये हिमालय राज की पुत्री पर्वत राज की पुत्री हैं, इनको सल्या कहा जाता है और इनके जो इनका वाहन है वृषभ है। इनके एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में कमल पुष्प है जो अमृत वर्षा करती है और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। विशेषतः अगर जिसकी शादी न होती हो, जिसकी कोई मनोकामना हो, धन संपत्ति से अगर वो परेशान हो, तो माता शैलपुत्री का 9 दिन में पहला जो इनका होता है बहुत सौम्य रूप है, चाहे जैसे उनको बना सकते हैं, सफ़ेद फूल सफ़ेद माला उनको चढ़ाएं, सफ़ेद की भोग लगाएं, नारियल का भोग लगाएं, इनको नारियल बहुत ही प्रिय है और इनके लिए जो भी भक्त जैसा भी इनके लिए मनोकामना करती है वो। शंकर भजन फाउंडेशन एवं मदर फॉर मदर्स द्वारा विश्व जल दिवस पर तुलसी घाट पर जनसभा एवं मानव श्रृंखला बनाई गई। विश्व जल दिवस पर संकट भजन फाउंडेशन एवं मदर फॉर मदर्स के संयुक्त तत्वावधान में तुलसी घाट पर गंगा को स्वच्छ व निर्मल बनाने के लिए जनसभा एवं मानव श्रृंखला बनाकर गंगा को प्रदूषण मुक्त करने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा में वक्ताओं ने जल के महत्वपूर्ण स्रोत गंगा के प्रवाह को अविरल व निर्मल करने के लिए जागरूकता का संदेश दिया तो बच्चों के हाथों में तख्तियों ने जल ही जीवन है जैसे वाक्यों से लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर हुई जनसभा को संबोधित करते हुए संकट मोचन फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर विश्वंभर नाथ कृष्ण ने कहा कि माँ गंगा के प्रति हमें संवेदनशील बनना होगा, तभी माँ गंगा प्रदूषण मुक्त होंगी। उन्होंने कहा कि गंगा में प्रतिदिन 300 MLD मल जल बिना शोधित किए जा रहा है और हमें बताया जा रहा है कि माँ गंगा स्वच्छ व निर्मल हो गई है। उन्होंने कहा कि जो गंगा में स्नान नहीं करते हैं उनको तो गंगा जी पूरी तरह से स्वच्छ एवं सुंदर ही दिखेंगी। गंगा के प्रति सही रिपोर्ट जाननी हो तो गंगा में रोज नहाने वालों से पूछिए, वह पूरी बात सत्यता से बताएंगे। आज माँ गंगा का पानी आचमन योग्य नहीं है और हम उसे स्वच्छ एवं निर्मल बनाकर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले गंगा के उस पार ही प्रदूषण था, अब तो गंगा के इस पार भी प्रदूषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि कम से कम माँ गंगा का नाम लेकर तो झूठ मत बोलिए। मुख्य अतिथि संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरे राम त्रिपाठी ने कहा कि जल ही जीवन है। तुलसीदास लिखते हैं कि पंचतत्व में जल भी महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में नदियों का या जल का महत्व बताने के लिए कूप तालाब खुदवाना धर्म का अंग माना जाता है। आज गंगा ही नहीं भारत की सभी नदियों के जल का संरक्षण करने की जरूरत है। आज हम जल ही नहीं पूरे पर्यावरण की रक्षा करें। इस अवसर पर घाट पर मानव श्रृंखला बनाई गई। इस श्रृंखला में लोगों ने हाथ से हाथ जोड़कर पर्यावरण व जल संरक्षण के लिए जागरूकता व एकता को प्रदर्शित किया। बच्चों ने हाथों में पर्यावरण के प्रति सचेत रहने और भविष्य के लिए जल ही अनिवार्यता संबंधी संदेश लेकर तख्तियां ले रखी थी। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र दुबे एवं जागृति फाउंडेशन के रामयश मिश्र ने किया। आभार BHU बॉटनी विभाग के प्रोफेसर N.K. दुबे ने दिया। स्वागत DAV डिग्री कॉलेज अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर अनूप मिश्र ने किया। इस अवसर पर मदर्स फॉर मदर के संस्थापिका अध्यक्ष आभा मिश्रा, TVN के प्रधानाचार्य डॉक्टर S.K. श्रीवास्तव, राजेश मिश्र, अशोक पांडे, गोपाल पांडे, सोनू झा, प्रभुदत्त त्रिपाठी आदि उपस्थित थे। हर वर्ष कर रहे हैं और पिछले 2000 से कर रहे हैं तो इसमें विद्यालय के बच्चों का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होता है क्योंकि हम लोग के टारगेट विद्यार्थी ही हैं जो आज अगर चैतन्य हो जाएंगे तो ये जो इतना बड़ा समस्या खड़ा हो रहा है गंगा जी के शुचिता और स्वच्छता को लेके, तो लोगों ने अवेयरनेस रहे और गंगा जी के जो प्रदूषण करने के कारण हैं वो अविलंब समाप्त हो और गंगा जी स्वस्थ रहें जिससे हम लोग का जीवन भी सुरक्षित रहे। इस बार का थीम क्या है? ये एक्सीलरेटिंग चेंज इन द मैनेजमेंट ऑफ सीवेज और ये ड्रिंकिंग वाटर, तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं इसको अब ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए, इसको तुरंत इसका निदान करना चाहिए क्योंकि समस्या तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है और आज ये उचित समय है कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपके हाथ से ये सब निकल जाएगा। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत द्वारा अमर शहीद हेमू कराणी जी के स्वर्ण जयंती वर्ष की पूर्व संध्या पर दोपहिया वाहन रैली निकाली गई।
अमर शहीद हेमू कलाणी जी के स्वर्ण जयंती वर्ष की पूर्व संध्या पर पूज्य सिडनी सेंट्रल पंचायत के तत्वावधान में दोपहिया वाहन रैली निकाली गई। रैली सिंधु नगर कॉलोनी से निकलकर भारत माता मंदिर पहुंची, जहां भारत माता पर पुष्पांजलि के बाद रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए मैदागिरी स्थित मालवीय मार्केट तक गई। रैली में शामिल लोग हाथों में तिरंगा झंडा लिए और देशभक्ति के गीत बजाते हुए और माहौल में देशभक्ति का रस घोलते हुए चल रहे थे। मालवीय मार्केट स्थित अमर शहीद हेमू कलाणी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद रैली लक्सा स्थित झूलेलाल मंदिर पहुंचकर संगोष्ठी में तब्दील हो गई। इस कार्यक्रम में पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष ओम प्रकाश बदलानी एवं उपाध्यक्ष सुरेंद्र लालवानी, गोविंद कृष्णानी आदि शामिल थे। अमर शहीद हेमू कलाणी का जन्म शताब्दी वर्ष कल 23 मार्च को है। 23 मार्च को ही हमारी झूलेलाल जयंती का भी आयोजन है। ये हमारे लिए एक बहुत अद्भुत संयोग है। उसके पूर्व संध्या पर आज हम लोगों ने एक वाहन रैली निकाली है। यह वाहन रैली भारत माता मंदिर से होकर के स्टार्ट होकर माली मार्केट स्थित हेमू कलाणी की प्रतिमा तक जाएगी। वहां पर हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, दीप प्रज्वलन करेंगे, माल्यार्पण करेंगे और प्रसाद का वितरण करेंगे। उसमें हमारे बनारस के जिलाधिकारी मुख्य अतिथि हैं। उसके बाद यह रैली बांस फाटक गुदौलिया होते हुए झूलेलाल मंदिर वापस जाएगी, जहाँ एक संगोष्ठी का इनके जीवन पर आयोजन किया गया है। विक्रम संवत 2080 के पुण्य अवसर पर नमामि गंगे 137 CITF बटालियन एवं 39 गोरखा राइफल्स द्वारा ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सूर्य को अर्घ देकर एवं आरती उतारकर हिंदू नववर्ष का स्वागत किया गया। हिंदू विक्रम संवत 2080 नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के पुण्य अवसर पर नमामि गंगे व 137 CITF बटालियन प्रादेशिक सेना 39 गोरखा राइफल गंगा टास्क फोर्स ने ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सूर्य की आरती उतारकर विधि विधान पूर्वक अर्घ देकर हिंदू नववर्ष का भव्य स्वागत किया। सूर्यदेव को उदय होते ही गंगा जल से अर्घ देकर प्रकृति संरक्षण, देश में अमन चैन, साथ साथ सनातन संस्कृति की समृद्धि की भी कामना की गई। नमामि गंगे के सदस्यों ने 22 मार्च विश्व जल दिवस के अवसर पर भारतीय संस्कृति के अनादिकाल से अनंत काल तक के प्रवाह की साक्षी गंगा को फिर से अविरल, निर्मल और सतत प्रवाह का लक्ष्य निर्धारित कर गंगा तलहटी की सफाई की। जल संरक्षण के लिए सभी को प्रेरित किया, गंगा जल में गंदगी न करने के लिए सभी को शपथ दिलाई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संस्कृति का अमृत मान है। नौ संवत्सर हमें हमारी समृद्धि सांस्कृतिक थाली में परिचित कराने और उसे सहजने का भी अवसर देता है। नौ संवत्सर सृष्टि का स्पंदन है। भारतीय अलौकिक संस्कृति का नया वर्ष लोक कल्याणकारी हो, इसके लिए हमने प्रार्थना की है। उन्होंने बताया कि विश्व जल दिवस मनाने का उद्देश्य स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है, साथ ही जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करना है। गंगा टास्क फोर्स के कंपनी कमांडर सुशील गुहानी ने कहा कि शुद्ध और स्वच्छ जल के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। आरोग्य भारत के लिए गंगा सहित सभी नदियों जल स्रोतों का जल शुद्ध हो, यही लक्ष्य होना चाहिए। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र का संयोजक राजेश शुक्ला, गंगा टास्क फोर्स के कंपनी कमांडेंट सुशील गुहानी, सूबेदार श्रीवेन सिंह, नमामि गंगे महानगर सह संयोजक बीना गुप्ता, वाराणसी मंडल प्रभारी पुष्पता वर्मा एवं गंगा टास्क फोर्स की टीम उपस्थित थी। यहाँ पे विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य के अंदर पूरे संसार के अंदर जो पीने योग्य पानी है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और जो कि एक आने वाले वक्त में बहुत बड़ा संकट पूरे संसार को दिख रहा है। उस चीज़ को बचाने के लिए पूरे विश्व में ये डिसाइड किया गया है कि हम लोग जो स्वच्छ पानी है उसका संरक्षण करेंगे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव सच के साथ। फैसिलिटीज ऑफ नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल, क्वालिटी एजुकेशन, वेल क्वालिफाइड फैकल्टी, डांस, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, रोबोटिक्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्केटिंग, कराटे क्लासेस, इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज, यूज प्लेग्राउंड फॉर किंडरगार्टन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ गेम्स, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री लैब एंड स्मार्ट लाइब्रेरी, वेल मेंटेन कंप्यूटर लैब एंड क्लासेस, हाईली सिक्योर एंड GPS ट्रैक कन्विंस फैसिलिटीज, educational based activities using technique tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public School, Suswahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब,
सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल नगवा लंका वाराणसी। स्वामी हर सेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हर सेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वाघाट रमना वाराणसी, फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी, फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा रमना वाराणसी, फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड दुर्ग सोनभद्र, फोन नंबर 7081109710, मरसरा घोरावल सोनभद्र, फोन नंबर 9554963194 95, एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र, फोन नंबर 7081109711। स्वामी हर सेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कार शाला भी है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल माँ गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल प्रहलाद घाट वाराणसी, मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव वाराणसी, मोबाइल 8009181549। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है, ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें, समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें, ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें, 2 गज की दूरी का पालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव, वाराणसी लाइव सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी समिति द्वारा धर्म संघ से हनुमान ध्वजा यात्रा निकाली गई। श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी समिति द्वारा बुधवार को प्रातःकाल धर्म संघ से हनुमान ध्वजा यात्रा निकाली गई, जो रविंद्रपुरी दुर्गाकुंड त्रिदेव मंदिर होते हुए संकट मोचन मंदिर पहुंची, जहां भक्तों द्वारा प्रभु के चरणों में इन्हें अर्पण किया गया। इसके पूर्व कार्यक्रम संयोजक अरविंद जैन, उनकी पत्नी उषा जैन तथा संस्था के अध्यक्ष कौशल शर्मा ने धर्म संघ स्थित पतालेश्वर महादेव में पंडितों द्वारा रुद्री कराया, तत्पश्चात यात्रा का शुभारंभ किया गया। प्रभात फेरी में सबसे आगे हनुमान ध्वजा चल रही थी और गाड़ी पर संकट मोचन बाबा के तैल चित्र को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था, जो अद्भुत लग रहा था। महिलाएं सज धज कर आरती की थाली लिए चल रही थी, महिलाएं पुरुष बच्चे हनुमान ध्वजा लिए चल रहे थे। प्रभात फेरी में मोहन रोहनियार, रमेश गोयल, संजीव अग्रवाल, कृष्ण कुमार काबरा, रघुदेव अग्रवाल, महेश चौधरी, प्रकाश थाड़ेवाल, राजेश धानुका, दीपक अग्रवाल आदि लोग शामिल थे। यात्रा पिछले 23 सालों से निरंतर चली आ रही है और जन कल्याण के लिए, देश हित के लिए, आज देश में कई तरह के संकट आते हैं, उनमें हमारा देश सुरक्षित रहे और संपन्न बने हमारा देश, इस भाव से प्रभु से कामना करते हैं। और जो आज हमारे प्रधानमंत्री तेजस्वी ओजस्वी, जिनके बलबूते पे आज हिंदुस्तान का नाम दुनिया में ऊंचा हुआ है, उनकी दीर्घायु के लिए कामना करते हैं।
और हमारे देश का हर तरह से भला हो, इसी इच्छा से हम इसको कार्य कर रहे हैं। बेमौसम हुए आंधी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर को तोड़ कर रख दिया है। बेमौसम हुए आंधी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर को तोड़कर रख दिया है। वहीं खेतों में खड़ी फसलों में मुनाफे की आस लगाए किसानों को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल बदलते मौसम के मिजाज से किसान बेहद परेशान है। बेमौसम हुई बारिश में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिस वजह से किसान खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गए हैं। तीन दिन से लगातार हो रही बारिश से किसानों की सैकड़ों बीघा फसलें बर्बाद हो गई हैं। वहीं ओलावृष्टि से गेहूं, सरसों, चना, लहसुन, प्याज, अरहर और सब्जी की फसल खेतों में चादर की तरह बिछ गई है। आपको बता दें कि वाराणसी के पिंडरा तहसील क्षेत्र के अनेक पंचायतों में बीती रात अचानक फिर ओलावृष्टि और बारिश शुरू हो गई। इस दौरान क्षेत्र के करखियाओं, फुलपुर, परसरा, गजोखर, खालिसपुर, रामपुर समेत आसपास के कई पंचायतों में ओलावृष्टि ने इस कदर कहर ढाया कि संपूर्ण फसल को ही तबाह करके रख दिया। इसी बीच भारी ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। किसानों ने बताया कि वह खेती बाड़ी करके ही अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, परंतु बीते रोज हुई ओलावृष्टि ने सब कुछ तबाह करके रख दिया है। ओलावृष्टि रुकने के बाद जब किसान अपने खेतों की ओर गए तो उन्हें अपने खेत सफ़ेद ही दिखाई दिए। किसानों ने बताया कि खेतों में ओले बिछे पड़े थे तथा उनकी सभी फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। बीती रात की जो ओलावृष्टि हुई है, लगभग हमारा 8 बीघे का सरसों और 8 बीघा कम से कम गेहूँ पूर्ण रूप से नुकसान हो गया। चना हुआ, उसके बाद मटर हुआ और अरहर हुआ, लहसुन हुआ, प्याज हुआ, यहाँ तक कि पशु का जो चारा है, बरसिंग है, वो भी पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। काफ़ी नुकसान हुआ है हमारा। हमारा जो गाय भी थोड़ा सा उसके ऊपर ही पत्रा उतरा गिर गया था, उसको हटाया गया। कल की जो ओलावृष्टि हुई है उससे किसानों को काफ़ी क्षति पहुँची है। सरकार से यही दरखास्त है कि किसानों को इस ओलावृष्टि को ध्यान में रखते हुए किसानों के हित की बात सोचे और किसानों का लाभ देने के लिए जो भी हो उसको करें। इतना बेहद हुआ है कि इतना तो हम कभी देखे नहीं थे। 20 बीघे का गेहूँ का फसल हमारा एकदम जमीन में जैसे जद्दोजहद एकदम ख़त्म हो चुका है और लागत लगभग 1 से 1.25 लाख रुपया लागत लगा था हमारा उसमें, और अरहर था बहुत बढ़िया, चना था, मटर था, सब फसल जितना था सब हमारा का, पूरे करखियाँ गांव सभा का कहीं का किसी का नहीं बचा है कुछ। संस्कार भारती काशी महानगर द्वारा नववर्ष की पूर्व संध्या पर नव संवत्सर अभिसिंचन समारोह का आयोजन किया गया। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गाकुंड वाराणसी के सभागार में संस्कार भारती काशी महानगर द्वारा भारतीय नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित नव संवत्सर अभिसिंचन समारोह का भावपूर्ण आयोजन साकार हुआ। इस आयोजन में आध्यात्मिक संस्थान भृगु योग ब्रह्मचिंता प्रणाली ट्रस्ट तथा भारत संस्कृति यात्रा को लेकर गतिमान हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी का विशेष सहयोग रहा। अभिसिंचन समारोह का विधिवत शुभारंभ अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मधुबाई कुलकर्णी थे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार थे, एवं दूसरे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार स्टाम्प एवं पंजीयन उत्तर प्रदेश सरकार थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता किशन जलाल ने किया। आयोजन के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ, जिसका शुभारंभ युवा कलाकार डॉक्टर प्रियंवदा टी पौड़ियाल द्वारा भरतनाट्यम नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति से हुआ। इसके उपरांत द्वितीय कार्यक्रम सरोद वादक पंडित मनोज केडिया एवं सितार वादक पंडित मोर मुकुट केडिया द्वारा सितार एवं सरोद वादन की जुगलबंदी का रहा। इसके उपरांत तृतीय कार्यक्रम दिल्ली से पधारे वरिष्ठ वादक कलाकार पंडित संतोष नाहर के वायलिन का था। इनके साथ तबले पर पंडित ललित कुमार ने सहयोग दिया। अपनी संस्कृति में क्या इस संस्कृति का महत्व है, ये संस्कृति किस प्रकार से वैज्ञानिक रूप से और किस प्रकार से ऊर्जा से युक्त है, इसको जानें, अपने आप को समझें, क्योंकि अपनी संस्कृति को तभी समझेंगे जब अपने आप को समझेंगे। तो ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। नव संवत और काल की गणना, ग्रहों की गणना, ये एक सामान्य सी बात होती है, लेकिन इसमें एक विशेष बात होती है कि हम नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त होकर सकारात्मक ऊर्जा की ओर बढ़ रहे होते हैं। ये इस संवत की विशेष बात होती है। नल संवत इस समय चल रहा है और ये संवत वैज्ञानिक रूप से प्रकृति को लेकर के चलता है। प्रकृति में जो इस समय बदलाव आते हैं, जो हमें नई फसलें मिलती हैं, नए ऊर्जा मिलती है, उन सब का परिचायक है।
चैत्र नवरात्र पर शक्ति की आराधना में लीन काशीवासियों की अपार भीड़ दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा मंदिर में देखने को मिली। चैत्र नवरात्र पर शक्ति की आराधना में काशीवासी लीन हो चुके हैं। इस दौरान नगर के तमाम देवी मंदिर श्रद्धालुओं से गुलजार रहे। दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नवरात्र के प्रथम दिन से ही देखी गई। सुबह से जो शुरू हुआ देर रात तक लोगों के दर्शन का तांता लगा रहा। लोग कतारबद्ध होकर माता के जयकारा करते हुए दर्शन कर रहे थे। मंदिर की व्यवस्था से जुड़े सोनू झा ने बताया कि नवरात्रि में माँ के दर्शन पूजन का विशेष विधान है। लोगों को माता वनवांछित फल देती हैं। माता का वर्णन वेदों और पुराणों में बताया गया है। लोग मंदिर का कपाट खोलने के साथ ही दर्शन पूजन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सहयोग दे रही है और लोग शांतिपूर्वक तरीके से माता के दर्शन कर रहे थे। आज के दिन यहाँ पर हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। यह क्रम पूरे 9 दिनों तक चलता रहेगा। तो आदिकाल से चलता रहा है कि आप किसी तरह के कष्टों से घिरे रहे, किसी प्रकार की आपको परेशानी हो तो माँ कुष्मांडा आप विश्वास नहीं करेंगे साक्षात प्रकट होके आपके सारे कष्टों को हर लेती हैं। एकमात्र माँ ये नहीं कहती कि आपको ढेर सारा प्रसाद चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, ये चढ़ाइए। वो सिर्फ एकमात्र अड़हुल का जो फूल होता है उसके एक कली को आप चढ़ाएं और जीवन में देखिएगा आपके सारे कष्ट दूर है। हम लोगों ने अपने आंखों से देखा है। आप मंदिर में देखेंगे हर तरफ 24 घंटा पूजा पाठ अर्चना तंत्र की साधना ज्योतिष की साधना ये चलती रहती है। इस कारण से कि हमारे घर पे और हमारे देश पे हमारे गांव में हमारे कुल में किसी प्रकार की अगर जो विविधा आई है माँ उसको हर ले। श्री काशी विश्वनाथ धाम में हिंदू नववर्ष के अवसर पर विविध आयोजन किए गए। हिंदू नववर्ष के अवसर पर बुधवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में विविध आयोजन किए गए। सबसे पहला कार्यक्रम शंख वादन का हुआ जिसमें 101 बटुकों और बालिकाओं ने शंख वादन किया। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण और स्वास्थ्य वाचन से हुआ। मंदिर के पुजारी और शास्त्री ने मंगलाचरण करके कार्यक्रम की शुरुआत की और बाबा श्री काशी विश्वनाथ से सुखमय जीवन की मंगल कामना की। इसके पश्चात पाणिनी कन्या महाविद्यालय कन्याओं ने शंख वादन किया। इस कार्यक्रम में मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा, मंदिर के ट्रस्टी प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा, SDM शंभु शरण, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नीलेश कुमार मिश्रा सहित बड़ी संख्या में गुरुजन व श्रद्धालु उपस्थित थे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे विजय आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव सच के साथ।